एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तुम सिंह बनो सियासत की क्यों चिंता करते हो, तुम सिंह बनो सियासत की क्यों चिंता करते हो, तुम जहाँ बैठोगे वही तुम्हारा सियासत होगा, वही तुम्हारा सियासत होगा। लेकिन इसके लिए सियासत पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मैदान मारेगा वही जिसके माथे से टपके गए। तो चलिए क्लास टेन प्रश्नावली 7.1 जो दूरियों के बीच या दो बिंदुओं के बीच की दूरी है इसको ज्ञात करें, उसी में क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में 3 क्वेश्चन है, एक अभी बनेगा। क्या है यहाँ पे चार बिंदुओं के निशान दिए हुए, अब बताना है कि चतुर्भुज है किस प्रकार का चतुर्भुज है ये बताना है हम लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, तो बिंदु ए का कितना होगा -1, -2 तथा बिंदु बी का निर्देशांक बराबर 1, 0 एवं बिंदु सी का निर्देशांक कितना है -1, 2 और बिंदु डी का निर्देशांक -3, 0। ये चार बिंदु आ गया। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ ए बी बराबर बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। तो क्या फॉर्मूला आता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके मन में समस्या आ रहा होगा कि x2, x1 और y1 और y2 कहाँ से ले, तो आपने लिखा AB से लेंगे। बताओ ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं x2 = 1 और x1 = -1। इसको कर्ली ब्रैकेट में लगा दे स्क्वायर। y2 यहाँ से लेंगे 0 माइनस इसका हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा दीजिए, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 1 है -, -+ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 0 हट जाएगा बाद -+ हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, अर्थात 1 और 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी 2 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और यहाँ आएगा 4, अर्थात 4 और 4 आएगा 8। तो ए भी आया अंडर रूट ए, तो बगल में मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं सिर्फ अपनी याद रखने के लिए लिख रहा हूँ ए भी बराबर अंडर रूट ए। अब चलेंगे भाई अगला, तथा ए भी हो गया तो बी सी लिखा लीजिए, फॉर्मूला वही रहेगा बी सी से का, तो यहाँ से रहेगा -1, -1, -1 होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 2 और -0 का होल स्क्वायर, ये आया -1 और -1 का जगह +2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 2 - 2 का स्क्वायर होगा 4 और यहाँ भी होगा 2 का स्क्वायर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1, अर्थात बीसी के बीच की दूरी आया अंडर रूट 1। चलिए भाई अगला चलते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकाल लेते हैं। सी डी फॉर्मूला वही रहने देंगे, सी डी चलेंगे, यहाँ आएगा -3, -1 इसका होल स्क्वायर +y2, 0 और यहाँ आएगा 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3 रहेगा -++ हो जाता है +1 का होल स्क्वायर या -2 का होल स्क्वायर होगा अंडर रूट। ध्यान से देखेंगे -3 और -++ का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ -2 का ऑलरेडी होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ 3, 4 आएगा, अर्थात 4, 4, 8 अंडर रूट 8। अब आया सी डी अंडर रूट 8। अब आगे चलेंगे
और निकालेंगे। अगर मान लीजिए चतुर्भुज बनाते हैं तो ऐसे नाम ए बी सी डी ए डी निकालेंगे ए डी और ए डी चलेंगे तो ए और यहाँ डी यहाँ तो माइनस थ्री जो है हमारा हो जाएगा एक्स टू का वैल्यू और माइनस वन हो जाएगा एक्स वन का वैल्यू। इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस वाई टू जीरो और यहाँ जाएगा टू का स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर और यहाँ जाएगा माइनस टू का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ माइनस थ्री और वन तो आ जाएगा माइनस टू का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस टू का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। ये आप सॉल्व करते करते आपका अनुभव क्या होगा कि चार और चार यहाँ भी आएगा और अंडर रूट एट आएगा। अब आ गया ए डी चारों भुजा का वैल्यू आ गया अंडर रूट एट। यहाँ पे एक समस्या नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे समस्या हो गया कि ये इस अगर ये चतुर्भुज माने इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं का माप बराबर है। अब ये समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। अब ये समचतुर्भुज है या वर्ग है इसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को यहाँ अगर चाहे तो भाषा लिख सकते हैं या तो फिर दोनों विकर्ण निकाल लीजिए। तो पहले विकर्ण तो निकालना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो चलिए विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण से ही पता चलेगा कि अगर विकर्ण बराबर होंगे तो तभी पता चलेगा कि उसके वह समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो विकर्ण में देखिए यहाँ से एक होगा एसी एक होगा बीडी तो इसलिए एसी बराबर यहाँ पहला विकर्ण एसी बराबर फॉर्मूला वही रहेगा एसी मतलब यहाँ से और यहाँ चलेंगे तो माइनस वन और इसका भी माइनस वन दोनों का वैल्यू माइनस वन है और वाई टू यहाँ टू है माइनस और ये हो जाएगा ये भी माइनस में है इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ माइनस वन हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर और यहाँ टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू इसका होल स्क्वायर। ये तो भाई माइनस वन और प्लस वन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका तो निकालने से कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे लिख लेगा दो और दो चार चार का स्क्वायर तो चार का स्क्वायर मतलब आया अंडर रूट सिक्सटीन और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आया चार। तो एक विकर्ण एसी बराबर कितना आया चार आया। अब दूसरा विकर्ण निकाल के देख लीजिए दोनों विकर्ण अगर बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे वह वर्ग है। तो दूसरा विकर्ण है बीडी तो चलो बीडी की ओर देखो ये वाले बी है और ये वाले बी है तो इसका थ्री और वह माइनस वन है का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है वाई तो बी जीरो और ये भी जीरो ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स ये एक्स टू का जो वैल्यू है माइनस में ये ध्यान रखिएगा एक माइनस छूटा तो पूरी कहानी बदल जाएगा तो माइनस थ्री और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस फोर इसका होल स्क्वायर और जीरो का वैल्यू छोड़ का जीरो लिखो लिखने में तो जीरो लिख करके छोड़ दो और माइनस फोर का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा प्लस सिक्सटीन अंडर रूट सिक्सटीन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा चार। यहाँ पे स्पष्ट हो गया क्या स्पष्ट हो गया भाई कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर है ए डी ये चारों भुजाएं बराबर है तथा दोनों विकर्ण ए सी बराबर बी डी है इससे क्या पता चल रहा है यथा ए बी सी डी या दिए गए निर्देशांक है ए बी सी डी एक वर्ग है एक वर्ग है आंसर। चलिए अगला प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा लेकिन बस आपको छोटी सी मेरे लिए काम अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।